Hi, I'm Rakhi Sawant and you're watching BollywoodHangama.com. Keep watching. जिस तरीके का एकदम मीडिया अटेंशन इस फिल्म को एकदम से मिल रहा है द मोमेंट इट हैज़ कम और इवन भी ऑन लोकेशन हुआ था तो बहुत मीडिया ने इसको कवर किया है एंड अभी आज भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं वो कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। आज मैंने आसाम का सेट लगवाया पूरा, ये पूरा जो माहौल है ना जी, ये पूरा ग्रीनरी और एक पुराने टाइप का हाउस पूरा हम लोग ने आसाम दिखाया हुआ। क्या बात कि यहाँ पे आसाम में वो थी, उसकी कैसी पढ़ी लिखी, कैसे क्या मतलब कैसे ग्रो हुई, कैसे फर्स्ट हस्बैंड से मुलाकात हुई, शादी हुई, दो बच्चे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शीना तो फर्स्ट हस्बैंड की बेटी है ना, तो फिर वहाँ से भी सीन्स भी वही चल रहे हैं। जी तो जैसे जैसे अभी ये केस आगे बढ़ेगा तो क्या कुछ स्क्रिप्ट में भी चेंजेस हो रहे हैं क्या? आर यू हमारी स्क्रिप्ट तो फिक्स्ड है। अच्छा, चेंजेस तो हमें एंड तो पता ही है क्या है, हमारे हिसाब से हम एंड लगाएंगे इसमें कि कसूरवार जितनी इंद्राणी थी उतनी ही कसूरवार वो है जिसपे उस पर प्रेशर किया गया था किसी ने, और वो कौन है वो हम फिल्म में दिखाएंगे। क्या बात है प्रेशर हुआ था, ये एक ब्रेकिंग न्यूज इनफैक्ट हम लोगों को मिला। डेफिनेटली किसी ने प्रेशर किया तभी वो इमीडिएटली इंट्रोगेशन चल रहा है रिमांड में, इमीडिएटली उसने किसी का कबूल कर दिया वो प्रेशर से कि मेरे बच्चों को सताया ना जाए और ज्यादा कुछ पूछताछ ना हो, तो उन्होंने जल्दी से वो माहौल देख के डर के मारे उन्होंने कबूल कर दिया ये सामो मर्डरर। करेक्ट, ठीक है उनका हाथ था लेकिन वो बोल नहीं रहे कि किसका प्रेशर था। राखी जी, आपने अभी जैसे बात करी रियलिटी शोज के बारे में, आपका एक बहुत पॉपुलर आपका एक शो था राखी का इंसाफ जी, और आपने ये भी आपने कहा है कि शायद उसका सीजन टू के भी आपने बात करी कि सीजन टू उसका होना चाहिए, एंड आपने ये भी कहा है कि दैट आमिर खान का जो सत्यमेव जयते था कहीं ना कहीं वो उन्होंने आइडिया जो है कुछ हद तक वो सेम आपको लगा। रियलिटी क्वीन जी टीवी पे जितने भी बड़े शो बिग बॉस नच बलिए टॉक शोज स्वयंवर सारे झंडे मैंने गाड़े जी बिल्कुल, बड़े बड़े शोज मैंने टीवी पे किए। आज मैं जो कुछ भी हूँ मीडिया की मेहरबानी और जनता की मेहरबानी से, क्या बात, और ईश्वर की दया से हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ईश्वर ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है और जनता का प्यार मुझे बहुत मिला है, तो कैसे भी हूँ मुझे बहुत प्यार करते हैं वो। राइट, आप लेकिन यहाँ थोड़ा डिप्लोमेटिक्स आपको आंसर दे रही हैं, एक इंटरव्यू में आपने बोला है कि दैट ही इज वेरी जेन्युइन, आमिर इज वेरी जेन्युइन एंड डज इंटेलिजेंट वर्क, माय ओनली इशू इज दैट इफ आमिर खान डिसाइड्स टू डू अ शो लाइक दिस इट इज टर्म्ड सोशल वर्क, बट इफ राखी सावंत एंकर द सिमिलर शो इट इज टर्म्ड एज बिजनेस एंड अ मींस टू गार्नर टीआरपीस। हां ये मैंने कहा था, यस स्टार्टिंग में मैंने कहा था जी कि जब मैं शो करती हूं तो लोगों को लगता है वो कंट्रोवर्सी बोल बच्चन और मतलब अलग अलग नाम दिया गया मेरे शो को क्योंकि वो भी वैसा ही शो था, बट हम थोड़ा मसाला डालते थे, थोड़ा बहुत कॉमेडी डालते थे। आमिर खान जब सवाल पूछता है किसी को तो उनका अलग स्टाइल होता है, सत्यमेव जयते। मैं किसी को क्वेश्चन पूछती हूँ तो मेरा थोड़ा अलग स्टाइल है, मैं कॉमिक में सच बुलवा देती हूँ। एब्सोल्युटली दोनों का स्टाइल अलग तो होगा ना, अभी कोई हम लोग ने कोई आपकी अदालत थोड़ी चल रहा है, बिल्कुल टीवी का शो ही तो है। AIB नॉकआउट के बारे में भी आपने एक दिलचस्प आपने एक कमेंट कहा था कि मैं खुद जाके गालियां देना चाहूंगी, सो सबको मज़ा आता है, YouTube पे जाके देखें तो सबसे ज़्यादा TRP इसी को है, जो दिल में है वो बोलना चाहिए, सबने चीटिंग की है, वो करण जौहर की वॉइस नहीं है, एज रणवीर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो आपको लगता है कि वो करण जौहर की आवाज़ नहीं है उसकी? वो करण जौहर की आवाज़ नहीं है, रणवीर की भी नहीं है, वो डब किया गया है। मैं रणवीर और करण जौहर तो मेरे अच्छे दोस्त, अभी मैंने आईफा भी किया था, आपने देखा आईफा में मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था रणवीर के साथ, हम तो बहुत ही क्लोज है, चीटिंग था उनके साथ। जैसा अभी मैं कुछ भी बोल रही हूँ, अभी मेरे लिप मोमेंट पे कोई कुछ भी गालियां डाल सकता है MCBC की। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वरना दीपिका पादुकोण ऐसे बैठ के हंसेगी क्यों? आपको लगता है उन्होंने गालियां बकी थी? जो लोग वहाँ पर सबने देखा, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि शायद उन्हीं की शायद आवाज है, ये ऐसा शायद भी तो आता ना बीच में जी, मतलब ये उन्होंने बोला कि उन्हीं की आवाज है। अच्छा, उन्हें क्या जी ऐसे बोला है इस तरीके से, सिमिलर साउंड। आपको पता, मैं एक बंदे को जानती हूं VIP को जी, वो 400 आवाजें निकालता है। क्या बात, रणवीर की आवाज निकलता है, ओम पुरी की, अमरीश पुरी की, अमिताभ बच्चन जी की, सबकी। तो डबिंग आर्टिस्ट जो होते हैं उसको खड़ा कर दो, वो मेरी आवाज भी निकालते हैं, बताओ। तो
आप कह रही हैं कि वो रणवीर सिंह और करण जौहर की आवाज नहीं है। ना रणवीर थे, ना अर्जुन थे, ना करण थे। ये लोग पर्सनली अपने कमरे में बैठ के अब्यूज कर सकते हैं, बट पब्लिकली नहीं करेंगे। राइट, लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके के SH, बिकॉज आमिर खान को ऑब्जेक्शन था AIB रोस्ट के ऊपर, आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज का इस तरीके से, अगर आमिर खान को ऑब्जेक्शन था तो उसमें मैं क्या करूं जी, वो तो आमिर खान जाने। आपकी नजर में क्या इस तरीके से अगर सेलिब्रिटीज का जैसे गाली गलौच है या फिर पब्लिकली है, जो पब्लिकली इतने बड़े सेलिब्रिटी पब्लिकली गाली कैसे देंगे बताइए। उनकी फिल्में इनको रिलीज नहीं करना, कैसे दे सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। आप पैसे भी फेंकोगे उसके सामने तो भी सेलिब्रिटीज गाली नहीं देंगे। अपने आपको हाई सोसाइटी बोलते हैं, वो गाली कैसे देंगे? फिर अभी इरफान खान ने एक एक एक, एक वीडियो किया है AIB के साथ में, इधर आइटम सॉन्ग के ऊपर, इधर आइटम सॉन्ग किस तरीके से फिल्मों में डाले जाते हैं। आपने देखा ओके okay. हाँ। तो काफी इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है सर, आपने देखा नहीं तो क्या कहा है उन्होंने। इनफैक्ट कॉमेडी में है, फन में है कि किस तरीके से आइटम सॉन्ग्स डाले जाते हैं फिल्मों के अंदर। इट्स फन, आई थिंक आपको देखना चाहिए। इट्स क्वाइट, सिंस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो आई एम श्योर दैट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा राखी जी, आपने एक बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट ये कही थी कि दैट जब तक एक अदाकारा में नमक ना हो मज़ा नहीं आता जिंदगी में। करीना में नमक है, कटरीना में नमक है, करण जौहर में नमक है। तो आपने करण जौहर को अदाकारा क्या आपने कहा था? नमक है उनमें, नमक है क्या? अदाकारा नहीं है वो, आप देखिए कितने, मैं तो टीवी पे साउंड को हमेशा करण जौहर अदाकारा तो, जी अदाकारा, लेकिन फीमेल हो गया ना, मतलब इट्स बिकम दोनों है उनमें, वो तो खुद कबूल करते हैं जी। अच्छा, उनका डांस कहाँ से मेल वाला दिखता है आपको? जी बिल्कुल, वो नमक है उनमें। राइट, करीना में है, बिपाशा में है, मुझ में तो कुट कुट के भरा हुआ नमक। सबसे ज्यादा तो आप ही में है, मतलब ईमानदारी की बात है, हम तो बहुत सालों से फैन है आपके, मतलब ईमानदारी की बात है, मतलब नहीं मुझ में है, करण जौहर में भी है, बहुत सारा नमक है। मैं तो देखती हूँ वो जब डांस करते हैं, राधा तेरी चुमका जुमका चुनरी जो गाना है, राइट, राइट, मुझे बहुत नमक लगता है उनमें। राइट, वो जब बात करते तो भी ऐसे 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 पूरा बात करते, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कटरीना करीना करण जौहर में ISTR भी था जब मैंने कॉफी विद करण किया था, बिल्कुल 100% और बाकी एपिसोड्स में भी आया था उन्होंने, बाकी एपिसोड्स में भी जिक्र आपका हमेशा रहता है, हमेशा रहा, अच्छा बुरा बट मेरा जिक्र हमेशा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका और उनका KRK का। कटरीना को पूछा गया हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, किसकी बॉडी आपको पसंद है, कटरीना ने कहा राखी सावंत। क्या बात, बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात, हालांकि उसकी बॉडी बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई लाइक हर। Yeah.